गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज हम ये अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं भाई, आज दिखा के जाता हूँ गाड़ी को, गाड़ी में क्या खर्चा आएगा इसका, डेंटिंग पेंटिंग में। और हमारे साथ जा रहा है मतलब मेरा भांजा। हेलो बोलो। हेलो हेलो, कैसे हो गाइज? ठीक हूँ। अबे गाइज को बोलो ना तुम। गाइज ठीक है, गाइज ठीक है, तुम्हें कैसे पता? तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। निकलते हैं कहाँ? निकलते हैं अभी गाड़ी को दिखा के आते हैं आज की इसमें क्या खर्चा आएगा, तो वो पूछता है, फिर देखता है जेब का बजट भी कि क्या बन पाएगा क्या नहीं। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। है आप पकड़ोगे? आप क्यों पकड़ोगे? आपको नहीं मिलेगा। और क्या, मैं तो बोलूंगा ही नहीं आपको। तो गाइज अभी पहुंच गए हम पीछे वाली रोड पे, नाले वाली पे। और इस रोड पे यार जब से साइड में फुटपाथ बना ना, इसका यूज तो कम ही है, पर इसके वजह से रोड पे जो गाड़ियां खड़ी होती है ना, ये थोड़ा सा जगह घेरने लग गया। तो गाइस बड़ी दिक्कत होती है यहाँ तो। आपको भी दिक्कत होती है? हाँ। आपको क्या दिक्कत होती है? बहुत मजा आ रहा है। तो आंसू को उठा लेते हैं, चलो देखता हूँ अगर आंसू होगा घर पे तो आंसू को उठाते हैं यहाँ से। आचू? हाँ, आचू, आचू को उठाते हैं। तो गाइस अभी आसू को फोन करता हूँ और आसू आ रहा है। अभी आसू घर पे ही है और बाबू पूछ रहा है कि आसू भैया कहाँ बैठेंगे? आसू भैया यहीं बैठ जाएंगे आपके पास। हे आप तो फुर फुटेज खा रहे हो आज। हाँ भाई, याली गाड़ी सी है ये गाड़ी चाहिए? ये तो छोटी गाड़ी है, बड़ी मामा जब गाड़ी लेगा ना तो बड़ी गाड़ी लेगा। क्यों भाई गाइस? ठीक है मैं बताऊंगा। हम बड़ी गाड़ी लेंगे जब लेंगे। ये वाली है? ये तो छोटी है, ये छोटी है, ये सब छोटी है। हम लेंगे वो लेंगे, हम जिसमें गणेश टेम्पो आता ना वो लेंगे हम। स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो लेगा, चलो स्कॉर्पियो ले लेंगे। पापा से बात करते है नी, तुम्हारे पापा से बात करते है। उल्लू का बना रहे थे। तो गाइस देखो ये क्या कर रहा है। तो भाई आंसू आ गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई जी आ जाओ। तो भाई आंसू आ गया। नहीं नहीं यहीं बैठ जा भाई, बहुत तुम लेते हो पूरी फीलिंग। तो पीछे बैठ के जा कहाँ रहे पहले बताओ। अरे यहीं तक जा रहे हैं, वो आगे डेंटर वो नहीं है पेंटर, उसके पास दिखाता हूँ गाड़ी को कि क्या खर्चा आएगा इसमें एक बार। अच्छा हाँ, पूरी गाड़ी का डेंटिंग मेंटिंग का। तो भाई फाइनली हम अपने वो क्या कहते हैं लोकेशन पे आ गए पेंट वाले की। तो इससे भाई सब यहाँ पर इस जगह में पूछना है पेंट वेंट का क्या है सिस्टम। तो भाई को बुलाते अंदर से भी। चलो हाँ आ जाओ। तो भाई भाई से बात हो गई, ये सामने जो खड़ा है भाई यही है लड़का, और आज अभी जल्दी आ जा। तो भाई से बात हो गई, भाई ने बताया कि खर्चा आएगा भाई पर्ल वाइट कलर एक तो गाड़ी का, और 12,000 रुपये इसने खर्चा बताया। मैंने कहा कुछ और एक्स्ट्रा लग लो तो वो बता दी भाई, पर क्वालिटी अच्छी डाल दी। तो कह रहा भैया उससे ज़्यादा लगना नहीं, और मैं आपको फालतू बता दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। 12,000 रुपये इसने बताया। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, बताता हूँ जल्दी आके कब कराना है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं वापस घर, फिर उसके बाद कुछ काम करने हैं तो वो काम भी करके करने पड़ेंगे आज सारे। और अभी बाबू की दवाई लेनी है पहले, तो अभी दवाई ले लेते हैं पहले, घर बाद में जाएंगे। नहीं छोटी की कायरा? हाँ कायरा की हैंड ब्रेक लग रही है, मैं पीछे खींच रहा हूँ गाड़ी। चलो तो वापस चल रहे, अब दवाई उठाते पहले। और आंसू देखो किसी से बात कर रहा है भाई। भाई किससे बात कर रहे हो? ओहो चुप कर दिया। चलो तो चल रहे भाई, सीक्रेट वाली बात है। तो गाइज आंसू को तो उतार दिया था और अब आ गए यहाँ गगन वाले मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि अंदर की तरफ दवाई मिलनी नहीं थी बच्चों की। तो मैं गया भी था, उन्होंने बोला कि भाई बाहर ही मिलेगी दवाई, तो बाहर अंदर नहीं मिलेगी। आप ये बैठे रहो, मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ सामने सर, ठीक है? पैसे तो उठा लूँ। चलो भाई दवाई ले लेते हैं। और
ये तो स्टोर बंद है, वापस जाना पड़ेगा। भाई स्टोर बंद है तो वापस जा रहा हूँ। बाबू दवाई तो मिली नहीं, दवाई तो मिली नहीं। स्टोर बंद है, हंस रहा है। पादल 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 पादल, वहां पे मिलेगी अब। कहाँ? उधर से लेते हैं, लोकप्रिय अस्पताल के पास से। स्कॉर्पियो वाइट, ठीक है। तो गाइस ये जो आगे गाड़ी जा रही है यार, मुझे ये नहीं समझ आता लोग गेट क्यों नहीं बंद करते। दिख रहा है बाहर लकीर निकली हुई, देखो ये निकल रही। तो इसने भाई ने ठीक से गेट नहीं लगा रखा, पता नहीं क्यों इतने, मतलब एक तो गाड़ी इंडिकेट कर दे तब भी ये लोग ऐसे दिक्कतें करते हैं। और बाबू हमारा बोल रहा है कि हमें लेनी है वाइट स्कॉर्पियो। ब्लैक क्यों नहीं बेटा, ब्लैक लेंगे स्कॉर्पियो, है नहीं? तो भाई यहाँ से अब दवाई लेनी है आगे। हाँ ये थोड़ी है मैंने सीमा भी का, तो यहीं पे स्टोर है सामने की तरफ, यहाँ ये जो अंकल कर रहे हैं उनके सामने, तो यहीं से लेनी है। पहले इसकी सुन लो मैं। तो भाई दवाई तो ले ली थी पर दवाइयाँ नहीं मिली भाई, पूरी तीन ही दवाई मिली है ड्रॉप्स, और बाकी अभी लूंगा आगे जाके, देखते कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं। और ये भाई गाड़ी मोड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग गया सा मोड़ने में, लर्निंग पे ही है लड़का अभी। क्यों दिखा दो, हाँ भी लेंगे ना किटकैट। तो भाई मैं घर आ गया था, ये देखो वो वहां से डर रहा है। भाई तभी चुप हो जा, चुप 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 चुप, वो डर रहा है वहां तक, उसकी हवा निकल, पोटी निकल जाएगी पोटी, चुप हो जा चुप चुप। ओ भाई वो देख रहा गाइस क्या डर रहा है, भग गया। चलो अंदर चलो, चलो भाई चलो अंदर चलो। और बीमार लड़की सामान नहीं मिला, नहीं मिला नहीं, अभी अभी जा रहे हैं गाइस। अभी हम जा रहे हैं लीड लेने, हैंड फ्री लेने, और हमारे साथ देखो कौन जा रहा है, जादू। और ये सामने ही है हैंड फ्री वाला, बिल्कुल ये जो दिख रहा है ना इसी से लेनी है। तो गाइस अभी जाते हैं बस चाय पीने के लिए, और पीछे चावल रखे हैं जो भी लेकर आए गांव से, और हर्ष निकाला है। हाँ वो निक बिक रहे हुए देख, और एक घिया भी पड़ा इसमें, घिया भी इसमें है, घिया तो निकाल दे, घिया भी पड़ा है भाई। चलो चावल निकालने पड़ेंगे इसमें, चावल निकाल लेंगे, चावल निकाल देते पहले, चावल बिखर गए इसमें थोड़े से, चावल निकलवा देते हैं फिर चल रहा चाय पीने। मयंक आ गया था, चलो। और मेरे भाई मयंक क्या हाल चाल, बढ़िया। मेरा मफलर भाई है ना, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपना वाला, दे दे मेरा, मैंने लगा लिया, दिख रहा हूँ भाई, नहीं दिख रहा, आगे दिखा दूंगा मैं अपने आपको। चलो तो भाई गाइस चाय पीने जा रहे हैं मयंक मैं आंसू, तो आंसू को उठा लेते पहले। फिर आंसू क्या हाल चाल भाई, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, लज रहा है? अच्छा हीटर, आज तो कुछ और ही लफड़ा लग रहा था, मैंने कहा ज्यादा ठंड हो रही है। देखो गाइस मेरा मुंह अभी हाल ऐसा है कुछ सर्दी की वजह से, और भाई का मफलर अभी खो गया है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 50 रुपए का मफलर आता है बस। मैं तो सप्तम वाले सोते, मेरा मफलर मेरे पे थे होलसेल कितने का, 500 में कितने में, 700 में कितने बैठेंगे भाई, चल ले चाय पीने, चल ले, चलो 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 खड़ो। तो गाइस चाय पीने चल रहे, मैंग भाई ठंड मान रहे, चलो नहीं मैंग भाई चलाओ ना, चोल तो आन दो, कितने कपड़े पहने का, चार जोड़ी तो नहीं पहन रखे हैं, और ये है जर्सी, वो ये है स्वेटशर्ट है, फिर इनर है, फिर छाते मोरी, तूने तो 3 पहने, मैंने 4 पहने, तकड़ा आदमी वाह भाई ने 4 पहने, तकड़ा नहीं कमजोर, पोलियो का मरीज। आ जा भाई जल्दी आ जा, टाइम लगा रहा आंसू, आंसू तो पहचान में भी नहीं आ रहा, बिल्कुल औरतों वाला ही लाया आप तो, हाँ औरतों वाला क्या, माँ का प्यार होता है भाई इसमें, इसमें ठंड इसलिए कम लगती है। तो गाइस चल रहे, चलो चलो चलो, क्या बोला फिर, कुछ नहीं है, जल्दी ओढ़ो, कौन बाबू आ गया,
बाबू तो क्या है तो चल ले। तो गाइस चाय तो पी लिया पे। और आसू आज मैंग जी पे करेगा ना, मैंग जी पे कर दे भाई, कर दे भाई। आज मैंग के ये भाई सब कुछ मैंग ही करेगा, पेमेंट वेमेंट यहाँ पे। तो मैंग यार कर दे आज जी पे। तेरा मुंह कैसा बन रहा है, बात मत घुमा, आओ देख ली, बात मत घुमा। सरदार जी इसे ले लो जी पे। हाँ जी पे भेज दो पीछे, चल चल पीछे जा, बारकोड पीछे रखा है भाई। जी पे कर रहा भाई, तूने तो फोन पे करा, जी पे कर रहा था। अब इन पे जो है मैं तो जी पे ही कर रहा हूँ। चल ठीक है, सरदार जी को देखो क्या खुश हो रहे हैं। नमस्कार। तो भाई चाय पी के आ गए थे और अभी आ गए हैं हम। भाई ठोक दे बच गई। तो आंसू को घर छोड़ रहे, आंसू मेरे भाई। आंसू तुम्हारा कुछ दिख रहा है गाइस, देख रहा है कुछ? देखो गाइस ये कुछ दिख रहा है ना? तो गाइस ये जिम कर रहे हो। तो भाई कल है मैंग के घर पे भंडारा, तो गाइस सबको आना है परसों 8 तक। सुबह है भाई, तो भाई परसों 8 तारीख में मैंग के घर पे भंडारा, तो सभी लोगों को आना है। लोकेशन है गली नंबर 8 नेहरू नगर मेरठ, एडवोकेट मैंग के घर पे आना है। हालांकि से एडवोकेट के नाम से कोई नहीं जानता, अच्छी लोग कह देना। तो गाइस अभी चल रहे हैं घर। पुलिस वालों से तुम जितना प्यार से बात करोगे ना उतना सही रहेगा। मेरा चालान होने के बाद भी उन्होंने कहा भैया चलो ठीक है, मैंने इतने प्यार से बात करी, मैंने कहा भैया देखो मैं कभी मना नहीं करता था, पर इस बार समझो सिचुएशन नहीं है। तो उसने भाई ने कहा भैया तो हो गया, पर कोई बात नहीं, मैं जाते के साथ ही सिस्टम से कैंसिल करा दूँगा। वो आके में चालान नहीं हुआ था, मैंने घर आके चेक करा अगले दिन भी। पर तुम दबंगगिरी दिखाओगे बदतमीजी, वो गलत चीज़ है, उसको कुछ होना भी नहीं। वो बड़ा खड़ी है, बोलती है खड़ी। हाँ तो भाई के पास थी ना, ले ले रहा ये बात करती है भाई। भाई बहुत ठंड हो, यहाँ चिल्लो, बहुत ठंड है भाई। हाथ जम रहे हैं और घर जाके ही बनाएंगे वीडियो। तो लोग तो घर ही शूट करेंगे हम चेक करेंगे तो आप लोगों ने कल एक ही बात है। तो घर भी आ गए, मैं को कहता है भाई चल भाई चलो। तो भाई अंदर चल रहे गाइस, आज का ये हमारा मेन चेहरा हमें छोड़ के भाग रहा है। तो गाइस सुन इसकी बातें, बोल 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 जल्दी बोल, पहले बोल पहले बोल, फिर चॉकलेट ला दूंगा। चल कल को यूट्यूब पर डालूं फिर तुझे। चल बोल 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 गाइस, लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब मेरे लिए कर दो। मामू को जल्दी से 1K करा दो। बोल ऐसा बोल, मामू के जल्दी से 1K कराओ। तो गाइस इस ब्लॉग को भाई यहीं एंड करते हैं। लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो। और ये देखो ये कौन बैठा है हमारे साथ, और बराबर में भी कोई आया है नहीं, तो गाइस हमारा बाबू रोने लगा है, तो जल्दी से हम इसे एंड करते हैं ब्लॉग को। बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।